हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ प्रोकैरियोटिक ग्रोथ। तो जो प्रोकैरियोटिक ग्रोथ है, बेसिकली बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोट्स है, ये जो मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं ये सेल्स, तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू ये सेल्स डिवाइड होते हैं। और बाइनरी फिशन कब होता है? जब सेल साइज में इंक्रीज होता है और ये अपने कंपोनेंट्स को डबल कर देते हैं, तो इसके बाद जो है सेल डिवाइड हो जाता है, यानी अपने न्यूक्लिक एसिड्स को, एंजाइम्स को डबल कर देते हैं, तो इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है। और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में अगर नंबर ऑफ सेल्स या बैक्टीरिया की इंक्रीज होते हैं तो इसको माइक्रोबियल ग्रोथ कहते हैं। और बेसिकली ये जो जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम है, तो ये वो टाइम है जो एक बैक्टीरिया एक से दो सेल में बनाता है, एक से दो सेल बनाता है, तो उसको क्या कर उस टाइम को क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कहते हैं। और ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया के लिए मुख्तलिफ होता है, यानी डिफरेंट होता है। जिस तरह इकोलाई जो है, ये इसका जो डबलिंग टाइम है ये तकरीबन 20 मिनट्स होता है, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो है वो 12 आवर होता है। अच्छा, फिर ये जो ग्रोथ कर्व है, इसके डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो जो फर्स्ट फेज है उसको हम लैग फेज कहते हैं। अच्छा, लैग फेज में बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल सेल साइज में इंक्रीज होता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो इनकी होती हैं लेकिन डिवीजन नहीं होती, क्योंकि इसमें ये सिंथेसाइज करते हैं मिक्रोमालिक्यूल्स, जिस तरह जो हैं एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको ये सिंथेसाइज करते हैं। और फिर भी ये जो लैग फेज है ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द मीडियम, यानी जिस मीडियम में हम बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं तो उसकी कौन सी कंडीशन है, वो किस फेज में है, और जो उसका टेम्परेचर है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो हमने स्टोरेज से उठाई हुए हैं सेल्स, ना एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं, तो ये लैग फेज इस पर भी डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है वो सेल। अब फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर हम सेल्स को जो है वो एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम से ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे मीडियम में, जिसमें फीवर न्यूट्रिएंट्स होती हैं, यानी कम से कम न्यूट्रिएंट्स उसमें होती हैं, तो फिर क्या होता है, लैग फेज जो है वो लॉन्गर होता है, क्योंकि वो उसके लिए न्यू मीडिया होता है और उसकी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी या कंडीशंस भी लिमिटेड होती हैं। इसमें फिर सेल्स क्या करते हैं कि अपने लिए एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, या वो कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स सिंथेसाइज करते हैं जो मीडियम में मिसिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम स्टॉक कल्चर रेफ्रिजरेटर से उठाते हैं, तो उसको जब हम जो है वो फ्रेश मीडिया में रखते हैं तो जो है वो क्या होते हैं कि सेल्स एक्टिव फॉर्म में आते आते जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि जो है वो फ्रेश मीडिया उनके लिए बिल्कुल न्यू मीडियम होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखें, अगर हम एक जो है वो यंग सेल्स जो हैं वो एक मीडिया से उठाते हैं और सिमिलर मीडिया में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जो है उसका लैग फेज बहुत शॉर्ट होता है, यानी वो क्विकली जो है उसमें एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जो सेकंड फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि सेल्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली डिवाइड होते हैं, यानी एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, दो सेल चार में डिवाइड हो जाते हैं, चार सेल आठ में डिवाइड हो जाते हैं, और सो ऑन 16, 32, 64, 128, तो इस तरह जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है सेल्स
एक जो है वो रेगुलर डिवाइड होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सेल्स कांस्टेंट रेट से डिवाइड होते हैं। स्पेस फेज को एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और इसी एक्सपोनेंशियल फेज में या लॉग फेज में ही हम सेल्स के जनरेशन टाइम को मेजर करते हैं, क्योंकि एक खास टाइम से जो है वो सेल्स डिवाइड होते हैं। और कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फेज है, इनके इनिशियल फेज में अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं कहते हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग सेल मास। इनमें क्या होता है, सेल मास इंक्रीज होता है। इसके अलावा सेल्स जो है वो अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की प्रोडक्शन करते हैं, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स के लिए उनको सेंथिसाइज कर देते हैं फर्स्ट फेज में ना। और जो कंपाउंड्स ये सेंथिसाइज करते हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यानी ये जो लॉग फेज में, खुशन जो स्टार्ट में लॉग फेज होता है, इसमें ये जो कंपाउंड्स सेंथिसाइज करते हैं उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। बेसिकली जो मेटाबोलाइट होता है ये क्या होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं जो ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जिस तरह प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, या वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जिस तरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसमें कुछ इस तरह मेटाबोलाइट्स भी होते हैं जो कमर्शियली वेल्यूएबल होते हैं, यानी हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं या दूसरे फूड सप्लीमेंट्स अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं ना, विटामिन्स वगैरह होते हैं। इसके बाद जो है फिर लेट लॉग फेज स्टार्ट होता है। लेट लॉग फेज में ये होता है कि ये जो इनके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं उनकी डिफिशियंसी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के करीब होता है, ये ट्रांजिशन टू द स्टेशनरी फेज कहलाता है लेट लॉग फेज ना। तो इसमें क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया एंडोस्पोर फार्मर है तो वो इधर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है, जिसको हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। और कहते हैं कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो उधर चेंजेस होती हैं, सेल्स जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेंथिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंट होते हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर होता है तो इधर जो है ये एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर जो थर्ड फेज है उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। अब स्टेशनरी फेज में कहते हैं कि सेल्स नो लॉन्गर हैव सप्लाईज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट एडिक्वेट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी इनकी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी डिफिशेंट होना स्टार्ट हो जाती है, लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स भी इनएडिक्वेट होते हैं मजीद ना। तो इसमें तो होते हैं कि सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेथ उनकी डाइंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ सेल इस तरह भी होते हैं जो मल्टीप्लाई भी होते हैं, यानी सेल नंबर जो है इसमें क्या होता है, रिमेन द सेम, ना तो सेल ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, यानी वो रिमेन सेम होते हैं। यानी जो है मल्टीप्लिकेशन जो रेट है वो इक्वल हो जाता है विद डेथ रेट ऑफ द सेल्स ना। तो इस वजह से ये स्टेशनरी फेज कहलाता है, कि नेट हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। अब इसमें बेसिकली सेल्स जो हैं वो डाई होते हैं, और उस यानी उनके डेथ की वजह से क्या होते हैं, उनके कंटेंट रिलीज होते हैं। तो उनके कंटेंट जो हैं वो दूसरे सेल्स उनको एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, एज एनर्जी या एज ए फ्यूल जो है ये काम करते हैं दूसरे सेल्स के लिए। और इस स्टेशनरी फेज में जो है वाइबल सेल्स जो होती हैं, यानी जो लिविंग सेल्स होती हैं, वो सेंथिसाइज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेंथिसाइज करते हैं। और जो लेंथ ऑफ टाइम है ना जो सेल स्टेशनरी फेज में रहते हैं, ये भी कहते हैं वेरीज
डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो ये लेंथ ऑफ टाइम जो है वो स्टेशनरी फेस का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी ये लेंथ ऑफ टाइम ऑफ स्टेशनरी फेस ये भी डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी ना। और जो फोर्थ वन फेज है उसको हम डेप्थ फेज भी कहते हैं। अब डेथ फेज में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वाइबल सेल्स इन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस, यानी जो वाइबल सेल्स होते हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ यानी अब डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन रेट कम से कम रह जाती है ना। अब जिस तरह हम लॉग फेज में कहते थे कि ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, इधर जो है डेथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, यानी डेथ ज़्यादा हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो जाती है। तो ये इस वजह से भी कि बैक्टीरिया जो है उस दर क्या होते हैं कि उनकी न्यूट्रंट्स होती हैं वो डिफिशेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं वो उनको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा से न्यूट्रंट्स की जो है वो प्रोवाइड होना जो है वो चाहिए होता है, तो वो न्यूट्रंट्स कम हो जाते हैं ना। और इस तरह कहते हैं कि 99% जो है वो सेल्स जो है वो डाई ऑफ हो जाते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा किल हो जाते हैं ना। तो ये इस वजह से भी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो जो है वो सेल्स को वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते। अब इसमें जो है फिर फेज ऑफ प्रोलॉन्ग डिक्लाइन, ये भी एक फेज होता है। अब जितना डिक्लाइन फेज जो है वो उसका लेंथ ऑफ टाइम इंक्रीज होता है, तो इस तरह जो डिक्लाइन फेज है ये मजीद एक्सटेंड होता जाता है, इसको हम कहते हैं फेज ऑफ प्रोलॉन्ग डिक्लाइन। तो मोस्टली तो इस फेज में क्या होता है कि सेल्स जो है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो फिर भी उधर ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिटर सेल्स कहते हैं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सर्वाइव करने के काबिल होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मॉडिफाइड सेल्स होती हैं या इंजीनियर्ड सेल्स होती हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह के सेल्स हैं कि वो वाइल्ड टाइप ही हैं लेकिन वो क्या हैं, फिटर सेल्स कहलाते हैं ना, तो वो पीरियड इस फेज में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, बाकी जो है वो ड्यूटेरियोरेट हो जाते हैं, सेल्स ख़त्म हो जाते हैं ना। तो मॉडिफाइड पॉपुलेशन जो है ये इस एबल होती है कि वो फिट टू सर्वाइव टू द डिफरेंट प्रिवेलिंग कंडीशंस ना। तो ये स्टेटमेंट भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जो है इधर फिट आता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया मीडिया में जो है वो फिट टू सर्वाइव होते हैं तो वही सिर्फ ग्रो करते हैं, बाकी जो है वो बाकियों की डेथ हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो इस इधर जो है वो क्या हो जाते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फीवर सेल्स इस तरह भी होते हैं कि वो इस प्रिवेलिंग ड्यूटोरेटिंग कंडीशंस में फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं।